तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल छुपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक बार फिर से एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं पटाखा सिमुलेटर। लिटरली दिवाली सिमुलेटर है यार ये। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अपना गैंग ज्वाइन नहीं किया तो किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी करो दिवाली के पटाखे फोड़ने। मेरे को तो गैंग ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, बस उसको दबा दो, डन। और आपको अंदर वाली बात बता रहा हूँ कि मैं असली में पटाखे फोड़ ले सकता। जब लास्ट टाइम मैंने पटाखे लिए थे और फोड़े थे तो पड़ोसियों को लगा कि मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया, तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और गाइस ये रहा अपना छोटा सा टाउन। अरे एकदम क्यूट लग रहा यार, छोटा सा गाँव वो भी बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। और अगर मैं यहाँ पर क्यूँ दबा के देखूँ तो मेरे पास भाई सा बहुत सारे टूल आ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये पटाखा, Oh my God, पटाखा जलाओ टू, let's go। मुझे सबसे पहले ये फोन जलाना है। Come on, क्या मैं ये फोन जला सकता हूँ? अरे मेरे को जलाने दे मेरे भाई। अरे ये पेड़ तो पक्का जलेगा। क्या मैं यहाँ पर बास्केटबॉल जला सकता हूँ? अरे मैं इसको पिक कर सकता हूँ। अरे come on, बास्केटबॉल चला के इसके अंदर मुझे गोल करना एंड फटाक। भैंस की आके तो चांद पर चली गई। Oh my God, पेट्रोल स्टेशन। तो निकालते हैं फायरवर्क्स और सबसे पहले मेरे को दुकान के अंदर जाना है। हेलो, दुकान के अंदर कुछ है नहीं। हमेशा संजय की दुकान रात को बंद होती है। ऐसे दुकान है खुली, उसको घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना कि वो लिटरली पैदल चला जाता है, वो भी दुकान खोल के। लेकिन कोई बात नहीं, संजय तेरी दुकान अभी सेफ हाथ के अंदर आ चुकी है। और सबसे पहले आती है हमारी स्लश पपी की मशीन और मैं कुछ जला ही नहीं पा रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर मैं और टूल्स की तरफ देखूं तो ये है डे एंड नाइट टूल। क्या होता है इससे, क्या हुआ क्या? अरे भाई साहब, मेरे पास थैनोस की पावर आ चुकी है, लेट्स गो। तो लीजिए, अभी सुबह से रात हो चुकी है और अभी ये चांद कहाँ से आ रहा है, किधर गया ये रहा। और अभी फिर से रात की सुबह। एक काम करता है, मुझे टाइम को यहीं पे स्टॉप करना है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट के क्रिएटिव मोड की तरह मेरे को लग रहा है। ओके गाइस, ऑब्वियसली मेरे को वीडियो के लिए बहुत सारे पटाखे लेने पड़ेंगे और ये रही गाइस हमारी पटाखों की दुकान। चलिए जंप मार के सीधे अंदर चलते हैं। और हेलो मामा, दुकान को खोल, आउट फॉर लंच, दफा कर आउट फॉर लंच। अरे दुकान खोल, क्या मैं फिजिकल वाला टूल लेकर दुकान को खोल सकता हूँ? अरे एक्चुअली खुल रहा है, रुको रुको रुको, हटाओ इस दरवाजे को बाहर। और ये रहे गाइस हमारे पटाखे, लेट्स गो। अरे पूरी दुकान भरी हुई है यहाँ पर, बड़े वाला, छोटे वाला, छोटे वाला, बड़े वाला, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अरे एक काम करते हैं गाइस, ये वाला उठाते हैं यहाँ से और इसको अगर मैं बाहर जला के देखूं, वैसे मेरे को छोटा सा ही लग रहा है, ये इतना बड़ा विस्फोट तो कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जला के देखूं तो, अरे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, दूर जाके खड़े होते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही मोटे वाला था। अरे ये वाला चलाते हैं, ये पक्का अनार पम होगा, तो हमें दूर खड़े होकर ये पूरा एंजॉय करना है। ये अनार, निकलो निकलो, इससे पहले तो पुलिस को बुला के रखे। निकलो भैंस की आग, यहाँ पर मैंने पूरा टाउन विस्फोट कर दिया। यहाँ पर पूरे पटाखों की दुकान मैंने एक ही बार में जला दी। जो पटाखे मेरे को पूरी वीडियो के अंदर चलाने थी वो एक ही लाइटर से मैंने सारे उड़ा दिए। और ये देखो भाई क्या डिस्प्ले चल रहा है। तो ये मैंने जानबूझ के सही किया भाई। भैंस की आग, अभी तक पटाखे उड़ रहे हैं भाई, कितना माल था इस दुकान के अंदर। लिटरली गाइस ये देखो, पटाखे बंद ही नहीं हो रहे, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। गया मैं, ये पक्का मेरे को टाउन से बैन करेंगे भाई। भाई इसका साइज देखा, ये जो अभी हवा के ऊपर गया है, क्या बड़ा साइज था इसका। और लीजिए गाइस, एकदम शांति हो चुकी है। और ये यहाँ पर पटाखों की दुकान हुआ करती थी, अब वो दुकान नहीं रही, ठीक है। तो यार पटाखे, तभी मेरे को कोई पटाखे देता नहीं है। तो अगर मैं टैब दबा के देखूं तो ये रही गाइस मेरी इन्वेंटरी। सबसे पहले क्या आता है, अमेजिंग ग्रैनी, ग्रैनी वाला पटाखा। सबसे पहले गाइस मेरे हाथ में रॉकेट आ चुके हैं। और अरे तीर अच्छा गिरता भी है। अरे मेरे को गिराने नहीं है यार, लगाने। अच्छा मैं राइट क्लिक करके देखूं तो ये लगते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से लाइटर निकालना है और जलाना है इसको। कम ऑन, चल जा, इसको फेंकते कैसी है। वो लिटरली हाथ के अंदर फटने वाला था ये। तो इस चीज को भी जलाओ, इस चीज को भी जलाओ एंड इस चीज को भी जलाओ। अभी गाइस आपको करतब दिखाता हूँ। अमेजिंग ग्रैनी, एकदम अमेजिंग है मेरे भाई। ये देख लो, अमेजिंग ग्रैनी से पंगे नहीं लेने का है। इसको उठाते हैं ई से एंड हाथ से,
हाथ के अंदर पटाखे नहीं चलाते, हाथ के अंदर ही जल जाएगा। ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे हैं और ये वाला मेरे को जबरदस्त लगता है, तो अगर मैं ये वाला यहाँ पे खड़ा करके देखूं और इसको इसका मुझे पॉइंट करना है एकदम वर्मा जी के घर की तरफ जो कि उस तरफ है एंड फटाक से जला दो। गया वर्मा जी, अगर आप सो रहे तो उठ जाओ, मैं रिकमेंड। अच्छा बच गए यार। अरे ओके, ये मेरे को अभी चाहिए बहुत सारे। और इसके बाद मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया कि मैं इन सबको लिंक कर सकता हूँ, पूरे सारे लिंक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक जलेगा तो सारे जलेंगे एक ही बार में। आई थिंक सारे कनेक्ट हो चुके हैं और अगर मैं इसको जलाऊं एक को, मेरे को पक्का बैन करेंगे यहाँ पर। अच्छा गेम तो गाइस एकदम सुपर जबरदस्त है मेरे भाई, अगर मैं ये सारे पटाखे पेट्रोल स्टेशन के अंदर डालूं पक्का फटेगा ये। आगे बढ़ने से पहले इसको टेस्ट करते हैं, ये बड़ा धमाका करेगा। ये देख रहे हो, हैकर पटाखा ये, इसके ऊपर स्माइली फेस ही बना हुआ है। तो ये गया ऊपर बाबा बॉय। भाई साहब ये वाला फोड़ना मेरे को, लेकिन इसको फोड़ने से पहले मैंने देखा कि ये वाला भी जो है कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। इसको डालते हैं जमीन के ऊपर एंड चला दो इसको भी। इसके ऊपर मोटा सा गोला लगा हुआ है तो ये गोले के अंदर बहुत हैवी ड्यूटी पर। अबे मिनी गन नहीं है वो। ओके ये हमला करने के लिए एकदम से परफेक्ट है, लेकिन ये डिस्प्ले के लिए एकदम खराब है। और मैं यही वाला यूज करूंगा संजय की दुकान के अंदर, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि उन लोगों ने गलत बंदे से पंगा लेकर रखा है। हाँ लगा 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 लगा। अभी मुझे इन सबको कनेक्ट करना है एकदम एक दूसरे के साथ। लेट्स गो। और अगर मैं लाइटर मारूं तो और क्या क्या इसके अंदर। अरे यहाँ पर केक्स भी हैं, तो गाइस ये बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे। तो अगर मैं ये वाला जमीन के ऊपर रखूं एक दो तीन चार पांच, और अगर मैं दो तीन चला के देखूं तो इसको भी चला दो, इसको भी चला दो, इसको भी चला दो एंड फाइनली इसको भी चला दो। लेट्स गो। अरे क्या जबरदस्त डिस्प्ले चल रहा है एकदम यहाँ पर। लेट्स गो। नया वाला वर्जन आ चुका है यहाँ पर फटाक से, तीन तीन ट्रिपल किल। वो एक और गया। अरे ये वाला कुछ ज्यादा जबरदस्त मेरे को लग रहा है, ये चार चार मार रहे की बार में। लेट्स गो। तो ये चार गए एंड फटाक से डिस्प्ले देख रहे हो यहाँ पर द ड्रैगन बैटरी। भाई साहब नाम सुन के मैं चकरा चुका हूँ यहाँ पर। तो ड्रैगन बैटरी चलेगी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। कम ऑन द ड्रैगन बैटरी, इसके अंदर से निकलेगा एंड्रॉइड ड्रैगन, वो भी ग्रीन। क्या है यार ये कुछ ज्यादा ही बड़े वाला लग रहा है, तो इसको जला के देखे तो। कम ऑन ये वाला जलाते हैं, पीछे हो जाओ, ये यहीं पे फट गया ना तो भैंस की यहाँ पे पूरी पोर्टल खुल जाएगी यहाँ पर। वाओ भाई साहब ये वाला जबरदस्त था, द प्यूडीफाई पटाखा। इस पटाखे का नाम ही लिटरली प्यूडीफाई पटाखा है। अगर हम इसको जला के देखे तो कम ऑन ये कुछ बड़ा धमाका करेगा, छोटे पैकेट में एकदम से बड़ा धमाका। अरे लेट्स गो यार, ये कैसा पटाखे तुम लोग निकाल के दे रहे हो मेरे को। भाई मेरे को पटाखे मार के हेलीकॉप्टर नहीं गिराने, क्या हो रहा है यार यहाँ पर। अगर ये वाला पटाखा मैं हाथ में जला के लेके सड़कों के ऊपर जाऊँ तो इसको जलाते सबसे पहले फिगर अप कौन मुझसे पंगा लेगा बता मेरे को। लेट्स गो। इसको पूरा फेंक वॉश मार के अंदर। लेट्स गो। और अभी गाइस मेरे को जाना यहाँ पर अपने सुनील के घर में। हेलो सुनील। और सुनील का घर वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, और आज सुनील के घर की चाबी जो है मेरे पास आ चुकी है, तो क्यों ना सुनील के घर के अंदर थोड़े बहुत पटाखे फोड़े जाए। इससे पहले कि सुनील आ जाए तब अपना फन यहाँ से करके निकल लेते हैं। कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। सुनील से मैंने पूरी बात कर ली है, उसने एकदम से मेरे को परमिशन दे के रखी हुई है। उसने मेरे को बोला कि छपरी यूट्यूबर भाई, जितने पटाखे तेरे घर के अंदर फोड़ने फोड़। और अभी सबको मुझे कनेक्शन देना यहाँ पर। लेट्स गो। एंड अब भी अपना लाइटर निकाल के इसको फोड़ते हैं। और जैसे मेरे को उन लोगों ने बोलने भी नहीं दिया। और सुनील ये देखिए बहुत खुश हो जाएगा, उसको पटाखों का बहुत शौक था। तो यार लेकिन गाइस जाने से पहले मेरे को पूरा शहर भरना प्रोपेन कैन से। हमें अपना मिशन कंटिन्यू करना है यहाँ पर, हमें ये ग्राउंड को लेके जाना है बिल्कुल चांद के अंदर। और गाइस सूत्र के अनुसार मेरे को पता लगा कि इस ग्राउंड के नीचे जो है एक डायनासोर रहता था, तो हमें उसको खोदना है। और अभी कौन जाके बुलडोजर लेके आए, जेसीबी की खुदाई करे जो की 1500 साल चलती रहेगी। मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका आ चुका है खुदाई करने का। हम होली शिट Holy! अरे भाई
इस छोटी सी वीडियो में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।